के देवव्रत मौर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मैं गोरखपुर के गोरखनाथ का रहने वाला हूं। हम युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक उड़ाते हैं। यदि आप उस बिजनेस को नहीं जानते हैं तो कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाड़े की गाड़ी है और भाड़े का कोर्ट है, मेरे पास खुद की गाड़ी है, ऐसे लोग हमारे पास आइए। मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जीरो से हीरो बने हैं। आप हमारे साथ जुड़कर बिना किसी पैसे के सफल हो सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का नियम है कि आप रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई चार्ज नहीं ले सकते हैं, लेकिन आईडी को एक्टिव करने के लिए खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। हम लोग आयुर्वेदा पर काम करते हैं, इस समय सबको कोई ना कोई बीमारी है, इसलिए आप जुड़ सकते हैं। पैसा लगाकर पैसा मिलेगा यह गलत है। हमारी कंपनी का नाम YTM है, हमने 45 महीनों में बहुत कुछ कमाया है और 60 लाख रुपए कमाता हूँ। आप भी जुड़कर अपने सपनों को सच कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए YTM के देवव्रत मौर्य ने कहा, इसका उद्देश्य एक ही है कि मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। आज के डेट में कुछ लोग हैं जो कुछ बिजनेस के मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं बिना समझे। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिस बिजनेस के बारे में आज रील्स बनाए जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं, उसके हकीकत को जानिए, जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाड़े का कोर्ट है, भाड़े की गाड़ी है, भाड़े का सारा कुछ रहता है। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा, मेरे पास आके बैठो, मैं दिखाता हूँ भाड़े का होता है कि ओरिजिनल होता है। और मेरे साथ आज मेरे सैकड़ों लोग जो यहाँ से करोड़ों रुपए बना चुके हैं, उनसे मिलाता हूँ, उनके आसपास बैठ के देखिए कि गाड़ी भाड़े की है कि कोर्ट भाड़े का है या ओरिजिनल है। आपके भी जीवन में परिवर्तन हो सकता है। मैं एक ही चीज़ संदेश देना चाहूँगा ऐसे लोगों को कि आप किसी भी काम को बिना समझे अगर उस पर कोई काम कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको समझना है, जानना है, दोनों पक्ष को समझिए, बैठिए, आप रियल एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग के आड़ में बहुत सारे लोग हैं जो आज गुमराह लोगों को कर रहे हैं। मैं आपसे एकदम 100% ऐसा नहीं हूँ कि विरोध में हूँ, लेकिन आप 1% कहीं ना कहीं गलत हैं। और आप उन लोगों को भी जरा प्रदर्शित कीजिए जो आज यहाँ से कामयाब हुए हैं, जीरो से हीरो बने हैं, जो अपने जीवन में कुछ नहीं थे, आज यहाँ से बहुत कुछ कर चुके हैं। यदि जुड़ते हैं तो उनको क्या लाभ मिलेगा? यहाँ से जुड़ने में सर दो लाभ होता है। सबसे पहले हम यहाँ से जो व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने का सफर तय करते हैं, यहाँ से हम जो बिना पूंजी के, बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी जगह के, बिना किसी स्टाफ के, अपने साथ साथ अपने लोगों को भी सफल बनाने का काम करते हैं। ये दो लाभ सबसे अच्छा है। यहाँ जो ज्ञान मिलता है, यहाँ जो आप व्यक्ति बनते हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी, किसी विद्यालय में आप नहीं हो सकते। अच्छा, देखा जाता है अधिकतर कंपनियां जैसे होती हैं, कुछ लेती हैं 10,000 लीजिए या तो कुछ सामान खरीद दीजिए 10,000 का, तब आपको ज्वाइनिंग कीजिए। देखिए, जो रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो गाइडलाइन है भारत सरकार का, उसके तहत आप रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई चार्ज ले नहीं सकते। हर जगह रजिस्ट्रेशन, जितनी एथिकल कंपनियां, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। हाँ, आईडी को एक्टिव करने के लिए वहां पे कुछ परचेज करने होते हैं, लेकिन वो भी आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को। वो स्वेच्छा अनुसार होता है और अपने स्वेच्छा अनुसार वो उत्पाद को सेलेक्ट कर सकता है। जैसे हमारे पास आज आयुर्वेदा पे काम करते हैं और कॉस्मेटिक्स पे काम करते हैं। आप जैसे देखिए, आज हर घर में बीमारी है, कोई ऐसा घर परिवार नहीं बचा आज के डेट में जिसके घर में बीमारी ना हो। तो उसी बीमारी को लेकर के, जैसे किसी को एसिडिटी है, किसी का हेयर फॉल हो रहा है, किसी को सीने में दिक्कत है, किसी का कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, थायराइड की समस्या है, नसों की समस्या है, इस तरीके के कोई भी उत्पाद अगर आपको जरूरत है, वहां से लेकर के आप रिजल्ट लीजिए, मन करता आगे काम कीजिए, आप बाध्य नहीं होते। लेकिन कई जगह पे आपको पैकेज के थ्रू, आपको किसी न किसी बाध्यता के थ्रू काम कराया जाता है, वहां बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों से बिल्कुल बचिए। एक होता है मनी रोटेशन, जो आप पैसे के बदले में पैसे देने का बात किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। एक होता है जहां पे ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमसे आप वो बोलते हैं आप 10,000 लगाइए आपको महीना इतना मिलेगा घर बैठे, ये बिल्कुल गलत है। यहां बिल्कुल आप चीटिंग हो रहा है आपके साथ, आप सतर्क हो जाइए। ऐसे करोड़ों अरबों रुपए लेके लोग जा रहे हैं। आप वहां काम कीजिए जहां उत्पाद बेस हो, जहां आपकी जरूरत की चीज हो। जुड़ने पे क्या लाभ मिलेगा और अगर ज्वाइनिंग करनी हो इस कंपनी में तो क्या प्रोसेस? जुड़ने पे लाभ आपको असीमित लाभ है। हमारे वहाँ से जुड़ने के बाद आपको हर प्रोडक्ट यहाँ पे छूट पे मिलते हैं, जो 30% से लेकर के 50% तक का होता है। उसके बाद आप अपने माध्यम से अपने जरूरतों के लोगों को ला करके, जरूरत के सामान को उपलब्ध करा करके, आप यहां से एक अच्छा पार्ट टाइम में इनकम चालू कर सकते हैं। आप यहां से अपने जैसे बहुत सारे लोगों को क्रिएट कर सकते हैं। आप हर उस बेरोजगार को रोजगार दे सकते हैं हमारे सिस्टम के माध्यम से। और इस सिस्टम से जुड़ने के लिए YTM का नाम है, यासिका ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग, जिसमें हम काम करते हैं, और मेरी टीम देवव्रत मौर्य के नाम से रन करती है। आज पूरे हिंदुस्तान के 20 राज्य में मेरा काम है। आप जिस भी स्टेट से है, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ वर्क करना और सफल होना, जैसे कि मैं पिछले 45 महीनों में यहां से जो जीरो से हीरो तक का सफर किया हूं,
बिगनर से बिलेनियर तक का सफर किया हूं। इसमें एक जो सबसे मुख्य पॉइंट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट डिटेल देने होते हैं, जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाती है। आगे अगर आपको व्यापार समझ में आता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई ऐसा बाध्यता नहीं है। मेरा नाम देवव्रत मौर्य है, रहने वाला मैं गोरखनाथ गोरखपुर का हूँ और इस व्यवसाय में मुझे 45 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आफ्टर कोविड 8 अप्रैल 2020 को मैंने इस व्यवसाय को चालू किया है और यहाँ से आज अपने सारे सपनों को पूरा करके बहुत ही शानदार तरीके से जीवन को रन कर। जीआरपी पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को ट्रेन से उतरने या चढ़ाने से पूर्व टेम्पो में बैठाकर उनका सामान लूट चोरी की घटना आए दिन प्रकाश में आ रही थी, जिसको देखते हुए दिनांक 16 फरवरी को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने गेट नंबर 7 के पास पार्सल दीवार की बगल में टेम्पो में बैठे गिरोह को चोरी व लूट के सामान के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा 24 जनवरी को कुशीनगर की रहने वाली महिला निशा पत्नी रितेश भैरवा को भोपाल से गोरखपुर आने के उपरांत टेम्पो में बैठाकर उसके बैग में रखा ज्वेलरी व नगदी चोरी कर लेना, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 14 दिसंबर को बलिया की रहने वाले राम प्रताप पुत्र कपिल देव को ट्रेन से उतरते समय उनका बैग का चैन काटकर उसमें रखा ज्वेलरी व नगदी चोरी कर लेना, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत था। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान खालिद पुत्र समी निवासी ग्राम जाखिर नगर ओखला गली नंबर 6 मकान नंबर 821 थाना जामिया नगर उत्तर दिल्ली। दूसरा साजिद पुत्र वाजिद अली निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर कुरैशी थाना बढ़ापुर जिला बिजनौर। तीसरा मुस्तकीम पुत्र बिंदु निवासी गौसपुर सादात थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर। चौथा शिव कुमार पुत्र छतर सिंह निवासी ग्राम बेदार वक्तपुर जादू उर्फ रायपुर चुंडौली थाना नगीना देहात बिजनौर। पांचवा सोनू शर्मा पुत्र स्वर्गीय केदारनाथ शर्मा निवासी हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी के जेवरात व नगदी व चोरी करने का यंत्र बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जीआरपी थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह, अपराध निरीक्षक विनोद कुमार राय, उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार, संजय यादव, हेड कांस्टेबल पवनेश पांडे, कमल सिंह, राम सिंह, श्रीकांत यादव, सूबेदार विश्वकर्मा, सूर्य प्रकाश चौधरी सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी जीआरपी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, विगत कुछ दिनों से यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि रेल यात्री जो आते हैं और उनको टेम्पो बैठाने के बाद बाहर जा करके उनके साथ उनके बैग में से सामान चोरी हो जा रहा है। इस सूचना पर यहाँ क्षेत्राधिकारी जो जीआरपी हैं श्री विनोद कुमार जी, उनके नेतृत्व में हमारी टीमें लगी थी जीआरपी की और सर्विलांस की। आज 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें उनके पास से 29/24 और 46/23 चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। उनके पास से लगभग 5 लाख रुपए का जेवरात नकदी और जो यंत्र जिससे वो बैग को खोलते थे वो बरामद किया गया है। और ये शातिर किस्म का गिरोह है, इसमें खालिद, साजिद, मुस्तकीम और शिव कुमार ये 4 लोग बिजनौर और दिल्ली के रहने वाले हैं। सोनू शर्मा यहाँ का टेम्पो चालक है और इस तरह से जा करके स्टेशन पर किसी टेम्पो वाले से बातचीत करते थे और फिर 2 आदमी इनके उस टेम्पो में पहले से बैठे रहते थे, बाद में 2 आदमी इनके जा करके टेम्पो में बाहर बैठ जाते थे और जो किराया तय होता था अन्य टेम्पो वाले जितना किराया मांगते थे उससे 25% कम करके ये मांगते थे, तो ऑलरेडी वो आदमी प्रभावित होता था, उनके टेम्पो में बैठ जाता था और उसके साथ इस तरह की ये घटना कारित करते थे। और ये काफ़ी शातिर किस्म का गिरोह है, इसके पहले बिजनौर और वाराणसी से भी चोरी और लूट के घटनाओं में जेल भेजा जा चुका है। क्या क्या घटनाएं इन्होंने और किया उसके बारे में जानकारी की जा रही है और इनका आपराधिक इतिहास क्या है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। मैं अपने टीम को भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूँ और आगे भी इनको नगद इनाम से प्रोत्साहित करने के लिए नगद इनाम दिया जाएगा। अभी तक जो इन्होंने घटना किया गोरखपुर में उसकी जानकारी हो पाई है, आगे भी जानकारी की जा रही है और जानकारी होने के बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। नहीं नहीं, यात्री जहाँ से चलते थे वहाँ से नहीं, इनका अपना अनुभव है उस हिसाब से ये अपना सर्विलांस करते थे कि कौन सा यात्री कैसा है और इस तरह से ये घटनाएं करते। छोटी मोटी घटना कर लिया तो कोई शिकायत ही नहीं करता है, अब जब बड़ी घटना करते हैं तब वो यात्री आकर के पुलिस के पास शिकायत करता है।
इस तरह से अंदर से ही रहती है? ना, इस ट्रेन के अंदर नहीं जाते हैं, ट्रेन के बाहर ही टेम्पू चालक को ये पहले से प्रभावित करके रखते हैं। और दो आदमी इनके, मैंने पहले ही बताया कि टेम्पू में ऑलरेडी बैठे रहते हैं, दो आदमी बाद में बैठ जाते हैं जा करके किसी चौराहे पर और आगे जाकर के उसके साथ ये घटना करी। असुरन चौक के व्यापारियों ने पिपराइस से असुरन तक हो रहे रोड चौड़ीकरण का रोड मैप सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में प्रांतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि जो असुरन से लेकर पिपराइस तक रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है, हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि जो रोड बन रहा है उसका रोड मैप सार्वजनिक किया जाए। हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि वह नक्शा पीडब्ल्यूडी के पास है, हम लोग मिलकर नक्शे को देखेंगे। हमारी मांग है कि किसी को उजाड़ा न जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने कहा, आज असुरंग क्षेत्र से व्यापारी दिख रहे हैं, निश्चित रूप से जो है व्यापारी काफी आतंकित है और भयभीत है। असुरंग चौराहे से पिपराइस तक जो रोड बननी है 4 लेन, प्रशासन से हम लोगों ने मांग यही किया है कि जो रोड मैप बनाया है प्रशासन ने वो हम लोगों के सामने दिखाया जाए। और वह पीडब्ल्यूडी के पास जो है अभी आश्वासन ये मिला है, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के पास वो मौजूद है, हम लोग वहीं अभी जा रहे हैं और उनसे प्राप्त करके जो है यह जानकारी लेंगे। हम लोगों की मांग यही है कि अगर कहीं से भी हम गलत हैं, नगर निगम के व्यापारी अगर कहीं से भी कब्जा कर रखे हैं और अवैध रूप से हम कब्जा किए हैं तो ठीक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम 40 वर्षों से ये जो है व्यापार कर रहे हैं और हमको वहीं बसाया जाए, कहीं से तोड़ा ना जाए, किसी को जो है विस्थापित कहीं किसी को भी जो है। अच्छा, अभी क्या किसको आप ज्ञापन दिए, क्या आश्वासन दिया? उप नगर आयुक्त निरंकार सिंह जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भेज करके मैं वहाँ मौके पर देखवा ले रहा हूँ और निश्चित रूप से जो है आप लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। रमेश चंद्र गुप्ता, प्रांतीय अध्यक्ष, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल। मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा व डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने परीक्षा केंद्रों का भ्रमणशील रहकर निरीक्षण किया। वही संबंध में डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने कहा कि आरक्षी नागरिक पद के लिए रेंज के सभी जनपदों में परीक्षा हो रही है, जो कि 4 पालियों में हो रहा है। अभी तक सभी परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, इसके लिए सभी राजपत्रित अधिकारी व थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में 46, देवरिया में 16, कुशीनगर में 22, महाराजगंज में 26 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रथम पाली में 26,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अलग से ड्यूटी लगाई गई है, रेलवे व बस स्टैंड पर ड्यूटी लगाई गई है और ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि अभ्यर्थियों को किसी तरह की दिक्कत न हो और न ही शहर में जाम की समस्या हो। रेलवे व परिवहन निगम से अभ्यर्थियों के लिए बस व ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जिससे उनको जाने में किसी तरह की समस्या न हो। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने कहा, आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए आज रेंज के सभी जनपदों में परीक्षा हो रही है, 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है, आज और कल मिला के ये एग्जाम होगी। अब तक सभी स्थानों पे सुचारू रूप से एग्जाम चल रही है, सभी स्थानों पे एग्जाम स्टार्ट हो गई है और सभी राजपत्रित अधिकारी स्टेशन ऑफिसर्स अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील है। टोटल 111 केंद्र रेंज में है जहाँ पे ये एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें गोरखपुर में 47, देवरिया में 16, कुशीनगर में 22 और महाराजगंज में 26 जगहों पे एग्ज़ाम हो रहा है। प्रथम पाली में कुल 56,000 अभ्यर्थी जो है इसमें भाग ले रहे हैं और इसके अलावा पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से भी व्यवस्थाएँ की गई है। सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पे फोर्स डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक के दृष्टिकोण से भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे जाम लगने के कारण अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में परेशानी ना हो और आम लोगों को भी इसमें परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे अथॉरिटीज से और रोडवेज से कोऑर्डिनेट करके एडिशनल बसेस की भी व्यवस्था के संबंध में वार्ता हो गई है। अभी तक सभी स्थानों पर सुचारू रूप से एग्ज़ाम चल रहा है और सभी लोग हम लोग। जनपद में 47 परीक्षा केंद्रों पर यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा आयोजित की गई, जिसके संबंध में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा बहुत अच्छा हुआ और हिंदी व जीके थोड़ा कठिन था, लेकिन केंद्र पर अच्छी व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया कि मैथ भी थोड़ा हार्ड था, लेकिन हमारी उम्मीद है कि कट ऑफ अधिक जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने कहा, परीक्षा ठीक थी, वो था क्वेश्चन हिंदी में और जीके में अच्छा मत पाया था। सुविधाओं की बात ये किस तरह की सुविधाएं? सुविधा तो ठीक थी। कहाँ से आए आप? हम यहाँ तारामंडल से आए हैं। किस
क्या नाम है? रंजीत कुमार यादव। पेपर बढ़िया आया था, रिंदपुर धारा थोड़ा हार्ड था और कथन निसर्ग से सवाल है, रक्त संबंध से है और मैथ भी इजी है, मेंस्ट्रुएशन सवाल एक दो ठो था। पेपर बढ़िया हुआ है, नहीं तो कटाव जो है हाई बनेगा इसका। क्या सर? सुविधा ठीक थी? बढ़िया थी सर। कहाँ से आए? गुलारिया बाजार, बिहार। क्या नाम आपका? धीरज कुमार गुप्त।